परम श्रद्धे स्वामी हृदयराम साहेब और श्रद्धे सिद्ध भाऊ की प्रेरणा व जीव सेवा समिति और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में 12 से 18 फरवरी तक यूरोलॉजी विभाग में 21वां यूरोलॉजी शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राजू थॉमस, यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रोहित अजमेरा, डॉक्टर सुनील गोखरू और उनकी टीम ने ओपीडी में 180 रोगियों की जांच कर 65 ऑपरेशन योग्य रोगियों को भर्ती कर लिया है, जिनके ऑपरेशन 15 से 18 फरवरी के बीच किए जाएंगे। जीव सेवा समिति के सचिव जगदीश वच्छानी ने बताया कि हांगकांग के अप्रवासी भारतीय केएस लखानी के आर्थिक सहयोग से आयोजित इस शिविर में सभी रोगियों की खून पेशाब की जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी, ईसीजी सहित अन्य जांचें निःशुल्क की जाएंगी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के लिए निर्धन और ग्रामीण अंचल के रोगियों को प्राथमिकता दी गई है। शिविर के दौरान रोगियों के लिए समस्त व्यवस्थाएं समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। यहां कल से निःशुल्क यूरोलॉजी शिविर चिकित्सालय के यूरोलॉजी विभाग में प्रारंभ हुआ, जिसमें लगभग 180 रोगियों की जांच कर 65 रोगियों को भर्ती कर लिया गया है। इन सभी भर्ती रोगियों की जांचें, जो कि एक्सरे, सोनोग्राफी, ईसीजी, पेशाब की जांच, खून की जांच आदि सभी जांचें हो रही हैं, और पेशेंट्स के ऑपरेशन जो हैं 15 से 18 फरवरी तक 4 दिन लगातार यहाँ किए जाएंगे।